Hello everyone, my name is Rohit Mishra. I am the faculty member in UIT Computer Science and Engineering Department. Today I am going to discuss about some important topic related to data warehouse and data mining unit 1. So before I am going to start, let's have some look about today's discussion. First of all, we discuss about the data warehouse definition. How data warehouse can be related to subject orientation, integration, time variant and non-volatile. Then we move to component of data warehouse. Then we discuss about the design process of data warehouse, including top-down approach, bottom-up approach and combined approach. Then we understand what is the need of data warehouse. And finally, we discuss about the difference between data warehouse and database. So, if we talk about the term data warehouse, so data warehouse is firstly used by the man named Bill Inman in 1990, and he gave the data warehouse definition as a data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile. A data warehouse is kept separate from organization operation database. It means for an organization, if organization working on a current situation and he update his database regular basis, then we keep if the data warehouse from that particular databases. इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी organization में day to day database को modify किया जा रहा है, तो हम उसके database को क्या करेंगे? Operation perform करेंगे for the particular organization और उसके database को उस particular database में जो भी operation हो रहा है, उससे separate रखेंगे. क्यों? क्योंकि हम data warehouse में generally क्या करते हैं? हम modification नहीं करते हैं. जब भी database को process करना होता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस है और उसमें जो भी डेटा है वो हमारा क्या है, अप टू डेट है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेटा वेयर हाउस, सो वी कैन से दैट डेटा वेयर हाउस इज आल्सो कॉल्ड एज अ हिस्टोरिकल डेटा. हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये है कि मान लीजिए बहुत पुराना डेटाबेस कहीं ना कहीं हमारे पास स्टोर है और कई डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हमारे पास स्टोर है, बहुत पुराने डेटाबेस हमारे पास स्टोर है, तो ऐसे सारे पुराने डेटाबेसेस के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डेटा वेयरहाउस कहते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेटा वेयरहाउस एंड द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउस, सो वी कैन से दैट डेटा वेयरहाउस इज बिगर देन डेटाबेसेस. ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेटा वेयरहाउस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस रहेंगे, तो वो डेटाबेस से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा वेयरहाउस में हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी डेटाबेस है, अभी उसमें जो भी डेटा है, उसको हम क्या करें, हम अपडेट ना करें, उसको ये मान के चलें कि वो काफी हद तक अपडेट है. देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम डेटा वेयरहाउस के डेटा को अपडेट कर नहीं सकते हैं, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो भी डेटा वेयरहाउस में जो डेटा है उसको हम प्रोसेस करते हैं, ना कि उसमें कोई डीएमएल या डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. डीएमएल या डीडीएल ऑपरेशन आपको पता होगा, जिसमें हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग, अगर हम बात करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक डिसीजन क्रिएट करना है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए अपना एक कॉलेज है और उसको एक डिसीजन बनाना है कि भाई हमें प्लेसमेंट अपने रेशियो को बढ़ाना है. हम पिछले कुछ सालों से हमारा प्लेसमेंट क्या था, बढ़ रहा था, लेकिन हमें अबकी बात क्या करना है, हमें अपने प्लेसमेंट को और आगे ले जाना है. इस डिसीजन को लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि पिछले जितने भी डेटाबेसेस थे और उस डेटाबेस में जितने भी प्लेसमेंट हुए बच्चे जिनके रिकॉर्ड रखे थे, उन सबको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनको उनसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करेंगे. कम्युनिकेशन के आधार पर ये देखेंगे कि पुराने डेटा वेयरहाउस में से जो भी बच्चे रेक्टिफाई हुए हैं, उनसे ये बात करेंगे कि हाँ आपको किस तरीके की प्रॉब्लम फेसेस हुई थी और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करेंगे, पुराने डेटा वेयरहाउस को हम प्रोसेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एक नया डिसीजन बनाएंगे कि इस डिसीजन के अकॉर्डिंग में हम अपने प्लेसमेंट को कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. नाउ डेटा वेयरहाउस प्रोवाइड जनरलाइज्ड एंड कंबाइंड डेटा इन मल्टी डायमेंशनल व्यू. ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि डेटा वेयरहाउस जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेसेस होता है, यानी कई सारे डेटाबेसेस को मिलाकर के एक डेटा वेयरहाउस बनता है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बहुत बड़े लेवल का है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थ्री डायमेंशनल अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे वही बता रहा है कि कंबाइंड डेटा इन अ मल्टी डायमेंशनल व्यू. नाउ बात आती है कि डेटा वेयरहाउस को प्रोसेस कैसे करना है, तो सो डेटा वेयरहाउस आल्सो प्रोवाइड एन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल व्हिच हेल्प इन इंटरैक्टिव एंड इफेक्टिव एनालिसिस. हम ये कहते हैं
कि हम एक ऐसा टूल यूज करते हैं डेटा वेयर हाउस को प्रोसेस करने के लिए, जो कि एनालाइज करने के लिए क्या रहे काफी इंटरेक्टिव है और काफी इफेक्टिव है। ओलैप क्या होता है हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। नाउ एज वी हैव स्टडीड इन अर्लियर स्लाइड्स दैट डेटा वेयर हाउस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। सो हियर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ओरिएंटेशन। सो सब्जेक्ट oriented means data warehouse can be used to analyze a particular subject area. For example, sales can be a particular subject. मान लीजिए किसी organization में कुछ different different type की fields हैं, जिसमें से एक field है sales product, दूसरा है customer account और तीसरा है claim policy. अगर उस database में ये सारे जो है वो entities हैं, ये सारे columns हैं, और इनको analyze करने के लिए उसके अंदर जो perform हो रहा है, जो operation perform हो रहा है, वो क्या हो रहा है? Order processing हो रही है, consumer loan हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में या डेटा वेयर हाउस में ये सारी जो फील्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगी? सब्जेक्ट्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी कॉलेज में, अपने कॉलेज में एक स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड है, जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर और भी सारी चीजें हैं, और उससे मिलाकर के एक डेटाबेस बना हुआ है, और ऐसे कई सारे जो है ईयर्स के बच्चों का एक डेटाबेस बना हुआ है, जिसको हमने डेटा वेयर हाउस में कन्वर्ट कर लिया है, और हम ये चाहते हैं कि उस डेटा वेयर हाउस को हमें प्रोसेस करना है। तो उस बच्चे का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका रोल नंबर, ये सारी ही फील्ड्स जो है वो क्या कहलाएंगे? उस डेटा वेयर हाउस का सब्जेक्ट कहलाएंगे। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे? हम उसको फिल्ट्रेट करेंगे, हम उसको जो भी हमें चाहिए वो हमें क्या करना है? हमें उसे रिट्रीव कर लेना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन, so integration generally means that to integrate some different different thing in a particular form. ये हम ये कहें कि कई सारे अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें क्या करना है, इकट्ठा करके एक जनरल फॉर्म में तैयार कर देना है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि सॉरी और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हैं, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है और लोन अकाउंट है, और इन सारे अकाउंट्स को हमने कंबाइन करके क्या किया, एक डेटा वेयरहाउस में रिप्रेजेंट किया, और इस सारे अलग अलग अकाउंट्स के जो भी डेटाबेसेस थे उनको सबको इंटीग्रेट कर दिया, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या कर दिया हमने, एक सब्जेक्ट नाम का बना दिया अकाउंट, और वो सब्जेक्ट अकाउंट अपने अंदर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट को क्या करेगा, होल्ड करेगा। सो हियर द डेफिनेशन इज दैट अ डेटा वेयरहाउस इज इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज, कई सारे डेटा सोर्सेज से एक डेटा वेयरहाउस क्या करता है, उसको इंटीग्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अ सोर्स ए एंड सोर्स बी मे हैव डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट, बट इन द डेटा वेयर हाउस देयर विल बी ओनली अ सिंगल वे टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी हम ये कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी डेटाबेसेस हैं उनको इंटीग्रेट करके एक सिंगल डेटा वेयर हाउस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, एज अ सिंगल प्रोडक्ट हम ट्रीट कर रहे हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइम वेरियंट, तो टाइम वेरिएंट का मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमारा डेटा वेयर हाउस जो कि कई सारे पुराना डेटाबेसेस से या हिस्टोरिकल डेटाबेसेस से मिलकर के बना है, वो कितना पुराना है और कितने पुराने डेटाबेस को हमको उठाना है। मान लीजिए किसी डेटा वेयर हाउस में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड सेव है, लेकिन हमें जरूरत है पिछले 3 महीने या 6 महीने के रिकॉर्ड की, तो हमें उस डेटाबेस से ये देखना है कि हमें 3 या 6 महीने या 1 साल वाले डेटाबेस को किस तरीके से रिट्रीव करना है उस हिस्टोरिकल डेटा से। टाइम वेरिएंट यही बताता है। यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, हिस्टोरिकल डेटा इज केप्ट इन अ डेटा वेयर हाउस, फॉर एग्जांपल वन कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और इवन ओल्डर डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको 3 महीने का डेटा उससे रिट्रीव करना है उसी डेटा वेयर हाउस से, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको साल भर का डेटा रिट्रीव करना है, कुछ और ऐसे होंगे जिनको 5 साल पुराना डेटा रिट्रीव करना है। तो वो डेटा वेयर हाउस ये कह सकते हैं कि वो पिछले 5 या 10 साल का रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है अपने अंदर, और जिसको जिस तरीके की जरूरत होगी वो उस तरीके का डेटा किसी न किसी क्वेरी या किसी न किसी प्रोसेसिंग फॉर्म में वो टूल को अप्लाई करके वो उसको रिट्रीव कर सकता है। दिस कंट्रास्ट विद द ट्रांजेक्शन सिस्टम देयर वेयर ऑफन ओनली द मोस्ट रिसेंट डेटा इज केप्ट, जो ये कहता है कि जितना भी रिसेंटली डेटा है हम उसको क्या करते हैं डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउस में हम धीरे धीरे ऐड कराते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अ ट्रांजैक्शन सिस्टम में होल्ड द मोस्ट रिसेंट एड्रेस ऑफ अ कस्टमर, वेयर अ डेटा वेयर हाउस कैन होल्ड ऑल द एड्रेसिंग एसोसिएटेड विद द कस्टमर। नाउ देयर इज अ सम अनदर टर्म डिफाइंड डेटा वेयर हाउस
which is non-volatile. Non-volatile, as you know, that non-volatile is a thing that cannot be changed. हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं as we read in the difference between RAM and ROM. So we can say that RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory. तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी टर्म या कोई भी चीज नॉन वोलेटाइल है तो उसका एक सिंपल सा मतलब है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे है डेफिनेशन, वंस डेटा इज द डेटा वेयर हाउस, इन द डेटा वेयर हाउस इट इज नॉट चेंज. सो हिस्टोरिकल डेटा इन द डेटा वेयर हाउस शुड नेवर बी अल्टर्ड. ओके, बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउसेस की, जिसमें पहला कंपोनेंट है लोड मैनेजर. लोड मैनेजर का काम ये होता है कि ये जो होता है वो डेटा वेयर हाउस को, जब कोई आदमी डेटा वेयर हाउस को प्रोसेस करता है तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो उसको क्या करता है, लोड करने का काम करता है, ताकि वो जो परफॉर्म हो सके, वो जो प्रोसेस परफॉर्मिंग होनी जा रही है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाए. दिस कंपोनेंट परफॉर्म द ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एंड लोड एंड द प्रोसेस. दिस सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑफ सेल्फ टूल्स, शेल स्क्रिप्ट एंड सी प्रोग्राम. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लोड मैनेजर वेरीज बिटवीन स्पेसिफिक सिचुएशन फ्रॉम वन डेटा वेयर हाउस टू अनदर. जितना बड़ा डेटा वेयर हाउस होगा लोड मैनेजर को डेटा को लोड करने में उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा वो चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा. डेटा वेयर हाउस जितना छोटा होगा उसको लोड करने में उसको उतनी ही आसानी होगी. देयर आर सम फंक्शन रिलेटेड टू लोड मैनेजर, एज वी कैन से दैट फंक्शंस एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सोर्सेज. गेटवे प्रोग्राम इज यूज फॉर एग्जाम्पल जेडीबीसी. जेडीबीसी का भी काम यही होता है कि वो क्या करता है, एक गेटवे प्रोग्राम परफॉर्म करता है जिससे हमारा क्या रहता है, कोई भी डेटाबेस से जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सके फॉर द फ्रंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू. लोड मैनेजर इज फंक्शन ऑफ फास्ट लोडिंग टू मिनिमाइज द टोटल लोड विंडो. डेटा इज नीडेड टू लोड इट एज अ फास्टर एंड पॉसिबल एंड सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ अनदर कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस इज वेयर हाउस मैनेजर. इन वेयर हाउस मैनेजर वी कैन सी दैट कि अगर मान लीजिए कि लोड मैनेजर ने किसी प्रोसेस होने वाले डेटा को लोड कर दिया है, तो प्रोसेस होने के बाद जो डेटाबेस बचता है अब वो कहाँ जाए. वो जैसे मान लीजिए कि किसी भी डेटा को लोड मैनेजर ने लोड किया, किसी आदमी को उस डेटाबेस की जरूरत पड़ी, उसने अपने अकॉर्डिंग उसको रिट्रीव किया, रिट्रीव होने के बाद जो डेटा बचता है अब वो कहाँ जाए. उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वेयर हाउस मैनेजर होता है. वेयर हाउस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोसेस. थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सी प्रोग्राम एंड सेल स्क्रिप्ट आर यूज. इसको परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ सेल स्क्रिप्ट होती हैं, सी प्रोग्राम्स कुछ होते हैं जो हमारे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. वेयर हाउस मैनेजर इंक्लूड कंट्रोल प्रोसेस, बैकअप रिकवरी टूल्स एंड स्पेशल स्क्रिप्ट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेशन परफॉर्म बाई वेयर हाउस मैनेजर, सो वी कैन से दैट एनालाइज डेटा टू परफॉर्म कंसिस्टेंसी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक. ये देखता है कि हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस शुरू में था जिसको लोड मैनेजर ने लोड किया था, और अगर उसको किसी ने प्रोसेस किया और प्रोसेस होने के बाद उस डेटा में कोई ऐसी रिडंडेंसी या कोई ऐसी रिपीटेशन तो नहीं होगी. हमारे पास जो पहले डेटा अवेलेबल था प्रोसेस होने के बाद भी वही डेटा अवेलेबल है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं. उसके बाद वो कहता है कि हम बैकअप भी मेंटेन करते हैं. वेयर हाउस मैनेजर का काम बैकअप मेंटेन करने का भी है, जनरलाइज एंड नॉर्मलाइजेशन का काम भी वेयर हाउस मैनेजर का है. नाउ वी मूव टू क्वेरी मैनेजर. क्वेरी मैनेजर का क्वेरी मैनेजर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग द क्वेरी टू सुटेबल डेटा. बाय डायरेक्टिंग द क्वेरी इट स्पीड अप द क्वेरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम. मान लीजिए लोड मैनेजर ने डेटा को लोड भी कर दिया, वेयर हाउस मैनेजर ने उसको प्रोसेस होने के बाद होल्ड भी कर लिया. क्वेरी मैनेजर ये काम करता है कि जिस भी क्वेरी या जिस भी टूल को लगा करके डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है वो कितना तेज और कितना धीमे तरीके से काम कर रहा है. अगर वो बहुत धीमे तरीके से काम कर रहा है, यानी मान लीजिए डेटा वेयर हाउस बहुत बड़ा है और उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो काफी टाइम टेकिंग है, तो क्वेरी मैनेजर का ये काम होता है कि उसको कुछ ऐसी सुटेबल चीजें प्रोवाइड करें जिससे उसकी क्वेरिंग प्रोसेस जो हो सके वो क्या हो सके, स्पीड अप हो सके. By directing the query, it speed up the query request and response time. उसका response time घटा देगा और उसकी query request को क्या कर देगा, बढ़ा देगा. Query manager include query redirection by C tools, query scheduling. हर process को वो scheduling provide कर देगा और scheduling according ये कर देगा कि कोई भी process है वो जब तक complete नहीं होगी तब तक दूसरी process वो शुरू नहीं होगी. These are the function of query manager.
present data to user in the form of understand, schedule the execution of query, and allow the to understand which index and aggregation are appropriate. Now, we are going to discuss about the top-down approach. This is basically the part of data warehouse designing. Top-down approach को सिंपल अगर आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई भी टास्क हम करने जा रहे हैं, उस टास्क को करने के लिए हमारे पास सर्टेन चीजें अवेलेबल हैं, हमें सर्टेन मेथड पता है और उस मेथड की जानकारी और उसमें उसको परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी चीजें हमें जरूरी हैं, अगर वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा कि वो टॉप डाउन अप्रोच है डिजाइनिंग का। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो अगर आपको एक डिस्टेंस कवर करनी है तो डिस्टेंस कवर करने के लिए आपके पास एक मीडिया होना चाहिए जिससे आप वो डिस्टेंस को कवर कर लें, आपके पास एक मैप होना चाहिए जिससे आप उस पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंच सकें। अगर ये सारी चीजें आपको शुरू में अवेलेबल हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, उस पाथ को डिजाइन कर लेंगे और बहुत आसानी से क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। दिस इज द वे वेयर वी डिजाइन द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच टेल्स दैट टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट विद द ओवरऑल डिजाइन एंड प्लानिंग। इट इज यूजफुल टू केयर वेयर द टेक्नोलॉजी इज मेच्योर एंड वेल नोन एंड वेयर द बिजनेस प्रोग्राम दैट मस्ट बी सॉल्व आर क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड। नाउ अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो बॉटम अप अप्रोच जो है वो टॉप डाउन अप्रोच से काफी डिफरेंट है, और यह ये कह सकते हैं कि वो एकदम टोटल एक दूसरे से उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है। बॉटम अप ये कहता है कि जिस हिसाब से टॉप डाउन अप्रोच में हमें सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें पहले से अवेलेबल थी और हम उसको क्या कर सकते थे, परफॉर्म कर लेते थे, बॉटम अप अप्रोच ये कहता है कि हमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता होता है, हमें खुद से क्या करना है, चीजों को डेवलप करना होता है। सो द बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट एंड प्रोटोटाइप। हम एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। दिस इज यूजफुल इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस मॉडलिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मूव फॉरवर्ड एंड कंसिडरेबल लेस एक्सपेंस एंड टू इवेल्युएट द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी बिफोर मेकिंग सिग्निफिकेंट कमिटमेंट। तो ये क्या करता है, ये एक प्रोटोटाइप या एक हम कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करता है कि हाँ अगर हम इस पे सक्सेस हुए तो हम इस अप्रोच को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, इसका हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। कंबाइंड अप्रोच दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंबाइंड अप्रोच एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सप्लॉइट द प्लांड एंड स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ टॉप डाउन अप्रोच वाइल रिटेनिंग द रैपिड इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज एप्लीकेशन ऑफ द बॉटम अप अप्रोच। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कुछ हद तक टॉप डाउन अप्रोच की भी इन्फ्लुएंस रहती है, कुछ हद तक बॉटम अप की भी इन्फ्लुएंस रहती है। यानी टॉप डाउन में जैसे हमें पता था कि इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं वो इसको पता रहता है, और जैसे कि बॉटम अप में एक प्रोटोटाइप तैयार होता था तो इसमें भी एक प्रोटोटाइप तैयार होता है। नाउ देयर इज सम नीड ऑफ डेटा वेयरहाउस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। ट्रांजेक्शन में हम बहुत यूज करते हैं, रूटीन और प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत यूज करते हैं, ऑर्डर टेकिंग में, जैसे कि आज आप देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और हमें देखते हैं कि जिस चीज़ को हमें ऑर्डर करना है वो उसके पास है कि नहीं है अवेलेबल, तो और ये वेबसाइट भी ये दिखाती है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आजकल के ट्रेंड में भी बहुत पॉपुलर है। टैक्टिकल प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका ऑब्जॉर्वेशन नहीं होता रहता है। मान लीजिए किसी चीज़ को मार्केट में हम लॉन्च कर दिए और वो नहीं बिक रही है, नहीं कुछ हो रहा है, तो उसका वेयर हाउस तैयार करने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो रनिंग कंडीशन में ना आ जाए। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस जो कि बिजनेस एंड मार्केट प्लानिंग में होता है, आपका बिजनेस भी उस हिसाब से बढ़ता है जिस हिसाब से आपकी मार्केटिंग होती रहती है। दिस इज द पिरामिड मॉडल ऑफ डेटा वेयर हाउस, नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस। We start with transaction system, then go to the data warehouse, then tactical system and strategic system. Now, the main topic is what is the difference between database and data warehouse? And this question is often asked for AKT examination, what is the difference between data warehouse and database? So, हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो भी processing tools होते हैं data warehouse और database में, वो दोनों के अलग-अलग होते हैं।
एक जो डेटा वेयर हाउस में जो प्रोसेसिंग टूल्स होता है या क्वेरी बेस्ड जो होता है उसे हम कहते हैं OLTP, विच इज स्टैंड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम डेटाबेस को अपडेट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्वेरी के फॉर्म में हम क्वेरी लगा लगा के उसको अपडेट करते रहते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है, ये करेंटली जो भी सिचुएशन रहती है उसमें काम करता रहता है। एज कम्पेयर टू डेटा बेस, डेटा वेयर हाउस यूज OLAP, विच इज स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, ये हिस्टोरिकल डेटा को प्रोसेस करता है, याद रखिएगा, ये हिस्टोरिकल डेटा को प्रोसेस करता है, अपडेट नहीं करता है। अपडेट करने का और ट्रांजेक्शन करने का काम किसका है, वो OLTP का है, जो कि डेटाबेस में होता है। हम सिर्फ डेटा वेयर हाउस को क्या कर सकते हैं, OLAP टूल्स के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि जानते हैं आप RDBMS का कॉन्सेप्ट होता है, डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस होता है, बट एज कम्पेयर टू डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस एंड टेबल एंड ज्वाइंस एंड सिंपल, सिंस दे आर नॉर्मलाइज, दिस इज डन टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम फॉर एनालिटिकल क्वेरीज। हम डेटा वेयर हाउस की बात करें तो हम ER डायग्राम की बात करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप की डायग्राम की बात करते हैं। जब हम एंटिटी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम RDBMS की बात करते हैं, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। एज कम्पेयर टू डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, हम मॉडलिंग टेक्निक की बात करते हैं, हम आगे देखेंगे मॉडलिंग टेक्निक क्या होती है, और डेटा को यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडलिंग टेक्निक। ऑप्टिमाइज फॉर राइट ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज फॉर रीड ऑपरेशन, डेटाबेस में क्या करते हैं हम, राइट ऑपरेशन, यहाँ पे रीड राइट दोनों होना चाहिए, रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जनरली डेटा वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड फाइनली परफॉर्मेंस इज लो फॉर एनालिसिस क्वेरी, एंड डेटा वेयर हाउस में हाई परफॉर्मेंस होता है फॉर एनालिसिस एनालिटिकल क्वेरीज। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।